वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर यशवंत सिंह परवान यूनिवर्सिटी सोलन में जो पोस्ट निकली है उसके बारे में, जिसकी स्टार्टिंग डेट है आपकी 16 मार्च 2020 और लास्ट डेट है आपकी 31 मार्च 2020। और जो आपकी पोस्ट है वो है टेम्परेरी बेस के ऊपर और आपकी जो पोस्ट है वो है रिसर्च प्रोजेक्ट में आप वर्क करेंगे। पोस्ट के बारे में, फर्स्ट पोस्ट आपकी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, जिसमें आपके पास एक पोस्ट है और इसकी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए एमएससी इन आपकी फ्रूड एंड वेजिटेबल्स में, फूड टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशंस में, फूड साइंस में, इसमें आपकी एमएससी हो सकती है। और उसके बाद आपके पास अगर बीटेक है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंड एमएससी है आपके पास फूड एंड साइंस मैनेजमेंट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेकेंड पोस्ट है आपके पास वो है रिसर्च फेलो की, जो कि आपके पास एक पोस्ट है, इसमें आपके पास एमएससी चाहिए, वो भी चाहिए फ्लोरो कल्चर में और उसके बाद उस फ्लोरो कल्चर लैंडस्केप में, वो है रिसर्च एसोसिएटेड की, जिसमें आपकी दो पोस्ट हैं, इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए पीएचडी एग्रोमेनोलॉजी में, एग्रोनॉमी में, मेट्रोलॉजी में, एग्रीकल्चर फिजिक्स में और एनवायरमेंट साइंस एंड गुड नॉलेज ऑफ कल्चरलॉजिक और क्रॉप प्रोडक्शन में आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो फिफ्थ पोस्ट है वो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, उसमें आपकी एक पोस्ट है और आपकी एमएससी चाहिए ना माइक्रोबायोलॉजी में। तो अप्लाई एंड एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि आपको www.ysparmarac.in पे मिल जाएगा। इसकी एग्जामिनेशन फीस है 250 रुपये फॉर जनरल है और 63 रुपये फॉर SC ST और OBC पर्सन के लिए है। जो और उसके बाद आपको जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड करना पड़ेगा जो कि डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट नौनी सोलन पे आपको ये भेजना पड़ेगा, जो कि 31 मार्च 2020 से पहले पहले वहाँ पे आपको ये सब डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट दी डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट निकले उसके बारे में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें और दोनों केस में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।